सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं, भारत का संविधान चल रहा है और भारत के संविधान में आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि भारत उसका राज्य क्षेत्र भाग नंबर एक की मैं बात करूंगा। भाग नंबर एक यानी जो आपके भाग और अनुच्छेद हैं वे इस पार्ट से शुरू हो गए हैं। पहले के पार्ट हमारे 10-12 पार्ट बने, उनमें हमने भारत के संविधान के विकास, प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान संशोधन वगैरह ये बात हमने बात की है। तो मित्रों, यहां से अब हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक भाग होता है, जैसे भाग नंबर एक, और एक अनुच्छेद होता है, जैसे कि अनुच्छेद 1 से 4। मेरे मित्रों, कोई भी हम पुस्तक खोलते हैं तो उसकी यूनिट बनी होती है, यूनिट नंबर एक, यूनिट नंबर दो, यूनिट नंबर तीन। उस यूनिट के अंदर विभिन्न पॉइंट होते हैं। इसी प्रकार से हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान में भाग होते हैं और एक भाग के अंदर उससे संबंधित विभिन्न धाराएं होती है। वे धाराएं हैं, वे आपके क्या है, अनुच्छेद। फिर सुने आप लोग कि आप जैसे यूनिट होती है पुस्तक में, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, उसी प्रकार से हमारे पास में भाग है कि भाग नंबर एक, एक नंबर भाग में इससे संबंधित जो प्रावधान है वे ये हैं, तो उनके लिए धाराएं बनाई गई हैं और वे ही धाराएं क्या कहलाती है, अनुच्छेद। जैसे कि भाग नंबर एक, भाग नंबर एक, यूनिट नंबर एक, इसमें दे रखा है भारत में उसका राज्य क्षेत्र। अब भारत में उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में जो इसमें धाराएं हैं वे 1 से लेकर 4 है, इसलिए अनुच्छेद 104 हमने यहां लिखे। समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद एक की बात करें। मित्रों, आराम से समझना है, अनुच्छेद एक क्या है। अनुच्छेद एक हमें तीन बातें बताता है। नंबर एक, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, नंबर एक। नंबर दो, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और नंबर तीन, राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। देखिए दोस्तों, भाग एक हमें भारत में उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और भाग एक अनुच्छेद एक से लेकर चार तक है। इसमें हम अनुच्छेद एक की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद एक में नंबर एक बात, भारत के नाम का उल्लेख है। तो भारत के दो नाम दिए हैं, भारत और इंडिया। आप ये ध्यान रखना कि संविधान में भारत और इंडिया दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है अनुच्छेद एक में, हिंदुस्तान या भारतवर्ष आदि शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। आपसे कभी एग्जामिनर पूछता है कि निम्न में से कौन से शब्दों का प्रयोग भारत के लिए हुआ है, दोस्तों ध्यान रखना भारत और इंडिया दोनों का हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपको हिंदुस्तान, भारतवर्ष ऐसे भी डालेगा। स्टूडेंट यहां चांस लेने का प्रयास करेगा, तो मित्रों अपने आप को नियंत्रित रखना है कि कहीं भी हिंदुस्तान या भारतवर्ष आदि शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भारत और इंडिया। समझ गए? दो नंबर ये कह रहा है
कि राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत कोई समझौता का परिणाम नहीं है। भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ये दो नंबर बात बताई गई। और तीन नंबर बात ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है। मित्रों भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है, इस बात को भी इसमें बताया गया है, यानी परिभाषित किया गया है। अब हम बार बार बात करेंगे राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र। तो मित्रों पॉइंट नंबर तीन से हमें यह पता लग जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है उसकी हम लोग बात करें, आराम से समझे आप लोग। यह माना कि भारत का राज्य क्षेत्र है, नंबर एक इसमें राज्य आते हैं, नंबर दो इसमें संघ शासित प्रदेश आते हैं, संघ शासित प्रदेश ये आते हैं, और नंबर तीन ऐसा कोई भाग जो हमने अर्जित किया है, यानी भारत से बाहर का भाग है लेकिन उसको अर्जित किया है, यानी अर्जित किया हुआ क्षेत्र, ये भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। दोस्तों यहां से भी बढ़िया सवाल बन सकता है, निम्न में से कौन भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं आता है। नंबर एक राज्य, नंबर दो संघ शासित प्रदेश, नंबर तीन अर्जित किया हुआ क्षेत्र, और दोस्तों चार नंबर पॉइंट कोई और बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू वगैरह में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है, तो हम लोग ऊट पटांग जवाब देना शुरू कर देते हैं। मित्रों नहीं, आराम से बताना कि सर अनुच्छेद एक है जिसमें भारत को इंडिया कहा गया है, वे राज्यों का संघ है, और इसी अनुच्छेद एक में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र को बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। तो श्रीमान जी भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आते हैं, नंबर दो संघ शासित प्रदेश आते हैं, और नंबर तीन कि अर्जित किए हुआ प्रदेश आते हैं। अब देखिए आपके ऊपर पलटवार होगा कि इनकी सूची कहां है, कौन से राज्य आते हैं, कौन से संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो मित्रों आराम से आप जवाब देना, मेरा पढ़ाया हुआ है आपको, आराम से कहना सर आपको यदि नाम देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो श्रीमान जी आप जाइए अनुसूची एक में, और आप भी अपने मोबाइल में खोल के देख ले अनुसूची एक, आपको इनका नाम पता लग जाएगा कि ये राज्य है भारत के अंदर और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइए दोस्तों यहां तक कोई समस्या, ये हमारा अनुच्छेद एक कह रहा है। ये अनुच्छेद एक कह रहा है तीन बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ है और इसमें राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, राज्य आता है, संघ शासित प्रदेश आता है, और अर्जित किए हुए भाग आते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद दो, आराम से समझना आप लोग, अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन आराम से समझ में आएंगे, चिंता मत करना। अनुच्छेद तीन आपको काम की ही बातें बताऊंगा, अनावश्यक बातें नहीं बताऊंगा।
पर काम की बातें पता लग जाए, सिलेक्शन हमारा हो जाए और हमें क्या चाहिए, काम की बातें एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये रहा मित्रों अनुच्छेद 3 और ये रहा अनुच्छेद 2। आराम से आप समझना, अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि इस राज्य क्षेत्र के अंदर, इस राज्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई बाहरी भाग को, बाहरी इलाके को, बाहरी भाग को अगर इसके अंदर मिलाना है, यानी अंदर परिवर्तन नहीं कर रहे, अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, हम किसी देश के किसी भाग को, यानी भारत के बाहरी भाग को हम भारत में मिलाना चाहते हैं, तो वे किस प्रकार से मिलाएंगे, ये अनुच्छेद 2 कह रहा है। और अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि संसद, कौन संसद, यहां लिखा है मैंने संसद, संसद कानून बनाकर, मित्रों क्या करकर, कानून बनाकर, कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर संसद मिला सकती है, ये अनुच्छेद 2 कह रहा है। बताइए समझ आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बताओ। अब तुम क्लास में होता तुम्हारे डांट लगा, तब किसके डांट लगा, मेरे सामने तो कैमरा है, कैमरे के डांट लगा सकता है ना। समझ आ गया, क्या समझ में आया कि सर अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के बाहर का कोई इलाका मिलाना है तो वे अनुच्छेद 2 के अनुसार मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि ये काम संसद कानून बनाकर कर सकती है, ये अनुच्छेद हमारा 2 कह रहा है। अब आप कहेंगे सर हमें तो एक बात बताओ, भारत के अंदर हमें कोई परिवर्तन करना है, भारत के भीतर हमें कोई परिवर्तन करना है, तो वे परिवर्तन हम किस प्रकार से करेंगे, तो क्यों चिंता कर रहे हो, अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 3 यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि भारत के अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर कोई परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग करना होगा। भारत के अंदर देखो आराम से देखे, चार्ट को देखे आप लोग, भारत के राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1, राज्य क्षेत्र के बाहर के इलाका अनुच्छेद 2, राज्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन अनुच्छेद 3। अब आप कहेंगे सर क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं हम, ये तो हमें बताइए। मित्रों हम जो परिवर्तन कर सकते हैं, नंबर 1, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं, नए राज्य का गठन। नंबर 2, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकते हैं। 2 नंबर वृद्धि को दे दो और 3 नंबर कमी को दे दो। और 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट ये है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। समझ पाए कहानी कि अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हम 4 काम कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकते हैं और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ये हम काम कर सकते हैं अनुच्छेद 3। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर करेगा कौन इस काम को, कौन करेगा? मेरे मित्रों इस काम को कौन करेगा, संसद करेगा। कौन करेगी?
संसद करेगी, संसद एक विधेयक लाकर, एक विधेयक लाकर ये काम कर सकती है। कौन कौन से काम? किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। आप कहेंगे सर कि राज्य का क्या रोल है, राज्य का क्या रोल है, क्या राज्य को कोई रोल है इसमें, क्योंकि हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं, राज्य में। दोस्तों है, क्या है वे, नाम मात्र का रोल है। और नाम मात्र का रोल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, संसद, संसद ये जो विधेयक लाएगी, ये विधेयक कौन सा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये विधेयक लाएगी, इस विधेयक को राष्ट्रपति, मित्रों कौन, राष्ट्रपति संबंधित राज्य, संबंधित राज्य का मतलब जिसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी सीमा में वृद्धि की जा रही है, जिसकी सीमा में कमी की जा रही है, तो संबंधित राज्य के पास उस विधेयक को राय के लिए भेजेगा। कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे सर चलो हमने राय के लिए भेज दिया, लेकिन इसकी समय सीमा क्या होगी, कितने दिन में राय देनी होगी संबंधित राज्य को? दोस्तों इसकी जो समय अवधि है, समय अवधि उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राज्य के, राज्य क्षेत्र के अंदर किस राज्य का गठन, नाम परिवर्तन वगैरह करेगा, तो वे अधिकार संसद को है। संसद क्या करेगी? एक विधेयक लाएगी। विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेगा। संबंधित राज्य कितने अवधि में राय देगा, यह समय अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे साहब अगर वे राय क्या दी, माना कि पॉजिटिव दी, माना कि नेगेटिव दी। देखो हमारा एक संविधान संशोधन है, सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन आप सब जानते होंगे 1956 में। दोस्तों सातवें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, सातवें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि ये राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। मित्रों बाध्यकारी नहीं है, समझ में आ गया? फिर समझा रहा हूं आपको, थोड़ा समझने का प्रयास करें आप लोग। देखिए संसद विधेयक लाएगी इस प्रकार का, विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा कि आपकी राय क्या है। राय देने की जो समय अवधि है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा कि राष्ट्रपति कितने दिन का उन्हें समय देता है, उसके अंदर उनको राय देनी होगी। आप कहेंगे साहब राय पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उसे संसद मानने के लिए बाध्य है का? नहीं। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि इस संदर्भ में अगर कोई राय आती है तो संसद उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बताइए वो सब, स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहां तक, फिर बात करेंगे अपन लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, समझ में आ गया? एक बार चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करना आराम से। भारत व उसका राज्य क्षेत्र, आराम समझे, मैं फिर से सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि संविधान का
एक एक अनुच्छेद आपका क्लियर होना चाहिए, एक एक अनुच्छेद, और हम शुरू से एक एक अनुच्छेद को क्लियर करते चलेंगे, समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना। भाग नंबर एक ये कह रहा है भारत व उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर एक, और भाग नंबर एक में कितने अनुच्छेद है? चार। चारों अनुच्छेदों को याद करने का तरीका समझे आप लोग। नंबर एक, एक में तो यह कहा गया है भारत जो कि इंडिया, नंबर दो राज्यों का संघ है, और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है अनुच्छेद ए। भारत के राज्य क्षेत्र का एक आप डब्बा बना लेना, जैसे मैंने बनाया। भारत के राज्य क्षेत्र का डब्बा बना लेंगे, तीन बातें लिख देंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं, और अर्जित किए हुए क्षेत्र आते हैं। ये डब्बा बना लिया। इस डब्बे के साइड में अनुच्छेद दो लिखना है। ये चार्ट यही बनाना है, इसी चार्ट से आपके समझ में आएगा। अनुच्छेद दो में आपको बताना है कि इस राज्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरे देश का कोई क्षेत्र हमें शामिल करना है तो अनुच्छेद दो के अनुसार करेंगे। और अनुच्छेद दो कह रहा है कि संसद एक कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, ठीक है। फिर इधर आप अनुच्छेद तीन लिखेंगे। अनुच्छेद तीन में यह समझाएंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर इसके अंदर हमें कोई परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद तीन के अनुसार करें। और अनुच्छेद तीन के अनुसार कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं तो आप बताएंगे, श्रीमान जी चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं भाई। कौन कौन से? नंबर एक, नए राज्य का गठन कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकते हैं, और किसी भी राज्य की सीमा में कमी कर सकते हैं, और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? एक विधेयक लाएगी। विधेयक लाने पर राज्य का क्या रोल होगा? राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेजेगा राय लेने के लिए। राष्ट्रपति निर्धारित अवधि भी उनको देगा कि इतने दिन के अंदर आपकी राय देनी है। सातवें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दे, उस राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो एक तरफ से संसद को एक अधिकार है। तो ये पूरी कहानी आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब अनुच्छेद चार क्या कह रहा है उसकी हम लोग बात करें। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे मैं बात करूंगा आपसे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए ये तो समझ में आ गया ना भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा बता दिया करो, है ना, ताकि उन्हें मैं पढ़ लूं, जैसे समय मिले देख लूं, और देख के थोड़ा यदि कोई कमी है तो उसे दूर कर लूं, और अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे को और अच्छा बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद जो चार है, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन तो याद हो गए, कंठस्थ हो गए होंगे आपके। अनुच्छेद चार क्या कह रहा है? अनुच्छेद चार ये कह रहा है कि अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद तीन में क्या है, ये जो राज्य क्षेत्र है भारत का, इस राज्य क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र को मिलाना, यही कह रहा है। और अनुच्छेद दो ये कह, सॉरी अनुच्छेद दो कह रहा है ये, अनुच्छेद तीन ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कोई परिवर्तन किया जाएगा चार प्रकार के, ये परिवर्तन कौन करेगी? संसद। यही बात कह रहे। अब क्या कह रहा है अनुच्छेद चार? अनुच्छेद चार ये कह रहा है कि अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के प्रावधानों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसकी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और मित्रों बता दूं मैं आपको,
अभी संविधान संशोधन अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे, उसमें बहुत मददगार रहेगा ये। अनुच्छेद 368 की जिस संशोधन पे प्रक्रिया लागू होती है वे ही संशोधन संविधान संशोधन के रूप में काउंट होता है। यानी ये दोनों प्रकार के परिवर्तन संविधान संशोधन में नहीं आएंगे, संविधान संशोधन में काउंट नहीं किए जाएंगे, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी, ये आप बात नोट कर लेना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर आप ठीक है कह रहे हो कि इस प्रकार के परिवर्तन, भाई आपका ये 1 से 4 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए, इसमें यही है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के प्रावधानों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी इस प्रकार जो संशोधन होंगे वे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी अगला जो हमारा टॉपिक होगा भारत के संविधान में संशोधन एवं संशोधन की प्रक्रिया, उसमें बहुत विस्तार से हम लोग बात करेंगे। देखिए अब हम ये समझेंगे, सर हमने एक बात पढ़ी है, बात कौन सी पढ़ी है कि एक तो हमने पढ़ा है 34वां संविधान संशोधन, 1971 में, ठीक है 1975 में, और एक पढ़ा है हमने 35वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये हमने पढ़ा है और ये भी 1975 में। सर इनमें सिक्किम का नाम क्यों आता है? क्योंकि आप तो हमें ये पढ़ा रहे हो कि इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन हम तो ये पढ़ते हैं कि जो 35वां, ये भाई 35वां और 36वां है, 35वां और 36वां, हम तो ये पढ़ते हैं सर 35वां संविधान संशोधन है और 36वां संविधान संशोधन है, इसमें सिक्किम वाली क्या कहानी है, इसे क्यों पढ़ते हैं? कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों कहानी स्पष्ट कर देता हूं, देखो 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद का नाम है 2A, ए कैपिटल मतलब बाद में जोड़ा गया। इसमें जो सिक्किम है वे सिक्किम जो कि चीन और भारत के बीच में था, उस सिक्किम को इंदिरा गांधी ने बहुत चालाकी से भारत में मिलाने का प्रयास किया और सिक्किम को एक अधिराज्य यानी सह राज्य का दर्जा दिया। यानी कि 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को एक अधिराज्य का दर्जा दिया, एक सह राज्य का दर्जा दिया। चीन ने सोचा ठीक है अधिराज्य का दर्जा दिया, तुरंत 36वां संविधान संशोधन 1975 लाया। इसमें दो काम किए, एक तो अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया, दोस्तों क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, 2A को समाप्त करके सिक्किम को एक राज्य बनाया। लेकिन इनसे कह रहा हूं राज्य बनाएंगे तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहेंगे सर 36वां संविधान संशोधन क्यों किया? दो रीजन, नंबर एक अनुच्छेद 2A को समाप्त करना था एक, और दूसरी बात सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 371F, कौन सा 371F। फिर से सुने आराम समझे आप लोग, हम ये पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी तो भारत के संविधान में संशोधन नहीं होगा और भारत के संविधान मतलब संशोधन हुआ है उसको संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सर सिक्किम की क्या कहानी है, बहुत सी जगह लिखा मिलता है
कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा या 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया। और राज्य का गठन करने के लिए तो हमें संविधान संशोधन काउंट नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दें, राज्य का गठन नहीं किया गया, फिर समझे आप लोग, एग्जामिनर यहां आपको उलझाने का प्रयास करेगा। 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो सिक्किम है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, अधिराज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 2A जोड़ा। तो बाद में हमने भारत में मिलाया, 1975 में मिलाया, भारी क्षेत्र को मिलाया, हमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संशोधन काउंट नहीं होगा। 2A जोड़कर हमने अधिराज्य का दर्जा दिया है, पर अधिराज्य का दर्जा दिया इसका मतलब संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 36वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया, 2A को समाप्त किया गया और सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए संविधान में 371F नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। यह कहानी है आपकी सिक्किम की। राज्य का गठन करने के लिए, बाहरी इलाके को मिलाने के लिए हमें संविधान में कोई संशोधन नहीं करना। सिक्किम को मिलाया लेकिन अधिराज्य का दर्जा देकर मिलाया, इसलिए संशोधन करना पड़ा। और ये अब आपके एक विचार आएगा कि सर एक बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन यदि हमें, अगर कोई हमारा भाग है, यानी भारत का कोई भाग है, भारत का भाग, और इसे कोई दूसरे देश को देना है, दूसरे देश को देना है, तो इसमें क्या करेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 2A कह रहा है कि भारी क्षेत्र को मिला सकते हैं, अनुच्छेद 3A कह रहा है कि राज्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमें भारत का कोई बेल्ट दूसरे देश को देना हो तो हम कैसे देंगे? दोस्तों समस्या खड़ी होगी, ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं, हमने अभी देखा है। मित्रों बेरुवाड़ीवाद यही तो है, बेरुवाड़ीवाद क्या है, यही तो है। क्योंकि बेरुवाड़ी इलाका में कई बार बात कर चुका हूं आपसे, बेरुवाड़ी एक इलाका है, एक भाग है, जो कि आपके पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, बंटवारा हुआ तब उसका कुछ बेल्ट गलती से भारत में रह गया, सर रेड क्लिप की गलती के कारण। जांच करवाई गई तो वास्तविकता में यह पाया गया कि यह भाग पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच सितंबर 1958 में एक समझौता हुआ, जिसे हम नेहरू नून समझौता कहते हैं। समझौता के तहत जो पाकिस्तान का बेल्ट गलती से भारत में रह गया बेरुवाड़ी, उसे हमें पाकिस्तान में देना था। जब बात आई कि हम किस प्रकार से देंगे, बात आई कि हम उसे किस प्रकार से दे पाकिस्तान को, तो दोस्तों भाग एक देखा गया, अनुच्छेद 2 में भी हम भारी भाग को मिला सकते हैं, अनुच्छेद 3 में अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, भारत के भाग को दूसरे देश में कैसा दिया जाए इस बात का कोई उल्लेख नहीं है भाग एक में। समस्या पैदा हो गई। फिर भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया कि यदि भारत के किसी भाग को दूसरे देश को देना है तो उस पे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होगी। यानी संविधान में नहीं है, वाद में कहा गया, बेरुवाड़ीवाद में, बेरुवाड़ीवाद जो कि एक राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया एक परामर्श था, किसी के खिलाफ याचिका नहीं थी, चुनौती नहीं थी, इसलिए बनाम नहीं लगाया, वरना बनाम लगाते हैं, ये तो एक परामर्श था, इसलिए बेरुवाड़ीवाद। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके आप भारत के अंदर किसी भाग को आप दूसरे देश को दे सकते हैं। तो मित्रों ये जो डिसीजन आया बेरुवाड़ीवाद का, इससे दो संविधान संशोधन हुए। नंबर एक, 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, और दोस्तों यह हुआ 1960 का, क्योंकि बेरुवाड़ीवाद भी 1960 का था। ध्यान सुनना, बेरुवाड़ीवाद बनाम नहीं लगेगा, 1960 के किसी खिलाफ नहीं था, एक परामर्श मांग गया। 9वां संविधान संशोधन, एक
इससे क्या हुआ कि जो बेरुवाड़ी गांव, बेरुवाड़ी का लगभग 11 वर्ग किलोमीटर भाग, बेरुवाड़ी गांव, बेरुवाड़ी क्षेत्र का कुछ भाग भारत में रखते हुए बाकी भाग कहां गया? पाकिस्तान में। तो एक तो यह संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। दूसरा 100 नंबर का 100वां संविधान संशोधन, मित्रों कौन सा? 100वां संविधान संशोधन, यह हुआ था 2015 में। और इसको तो आपने सुना ही होगा कि भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के मध्य जो बस्तियों का आदान प्रदान किया गया, ये बस्तियों का आदान प्रदान 100वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, वाद में कहा गया था, और उसी वाद का सहारा लेकर बेरुवाड़ी वाद का 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन संसद ने किया। तो ये मित्रों पूरी कहानी आपके समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। एक क्षेत्र राज्य क्षेत्र, दो भारी क्षेत्र को, तीन अंदर परिवर्तन, चार अनुच्छेद दो अनुच्छेद तीन के प्रावधानों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी जो प्रक्रिया है वे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होगी। समस्या ही भारत के भाग को दूसरे देश को कैसे देना है, तो बेरुवाड़ी वाद में निर्णय दिया कि आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और फिर इस भाग को आप दूसरे देश को दे सकते हैं। इसके लिए 9वां संविधान संशोधन बेरुवाड़ी, जो कि पाकिस्तान का कुछ बेल्ट गलती से भारत में रह गया, उसे हमने पाकिस्तान को दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा बांग्लादेश और भारत की जो बस्तियां हैं उनका आदान प्रदान किया गया। तो मित्रों अब ये जो प्रक्रिया है, यही से मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा। तो एकदम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्यों काउंट नहीं होते, क्यों काउंट होते हैं। और मित्रों एक बात बता दूंगा आपको, ये जो अगला पार्ट पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन, पता नहीं कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, लेकिन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन, तीन प्रकार के संशोधन होते हैं। दोस्तों इन तीनों का प्रकार बताऊंगा, कौन कौन सा प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत में जाते हैं, कौन कौन से हैं साधारण बहुमत में जाते हैं, कौन कौन से हैं विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों की विधानमंडलों से अनुमोदन, पूरी कहानी बताऊंगा, एक एक आपको क्लियर कर दूंगा ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रावधान का पूछे कि ये किसके द्वारा होगा, कौन से संशोधन की प्रक्रिया से होगा, तो आप एक झटके से बता देंगे इसके द्वारा। दोस्तों भाग एक क्लियर हो गया, आगे कंटिन्यू रहेगी क्लास, तो लेकिन हम लोग पढ़ना चाहते हैं संविधान संशोधन, क्योंकि यहां संविधान संशोधन बार बार फंस रहा है। तो संविधान संशोधन को हमने पढ़ लिया और यह समझ में आ गया तो आगे की कहानी लगातार हमारे समझ में आ जाएगी। और बताइए मित्रों, ठीक है आप लोग तैयारी ठीक कर रहे होंगे? दोस्तों ये समय को गंवाना मत, ये समय आपकी जिंदगी का अहम पड़ाव है। आप घर पे हैं या अपने रूम पर हैं, कोचिंग सेंटर सभी बंद हैं, तो आप उस समय का सदुपयोग करें, जितना टाइम मिल रहा है उतना सिलेबस निकालने का प्रयास करें, क्योंकि अचानक से एग्जाम डेट आएगी, पेपर आ जाएगा नजदीक, तो आप तनाव में रहेंगे। तो इस तनाव को दूर करने का आपके पास एकदम सही समय है। अभी भी आपसे कुछ भी नहीं आता है, यदि आप पेन और नोटबुक उठा लें अभी भी, तो दोस्तों अभी भी आप किसी भी एग्जाम को तोड़ सकते हैं। एग्जाम अभी छह महीने के आसपास दूर है, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। आपका सिलेबस आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, उंगलियों पर नाचना चाहिए 4-5 महीने बाद, और आप कहीं आने दीजिए, कैसा पेपर आएगा तोड़ देंगे सबको, आने दो पेपर को। तो मित्रों ऐसी ऊर्जा आपको रखनी है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना, शेयर करें वीडियो, और आप लोग अपने मित्रों को बताएं, अपने परिवार में बताएं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को हम लोग पहुंचाएं तो सही दूसरों तक। अगर हमने पहुंचाने का काम नहीं किया इस मेहनत को, फिर क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक देखे, 100 देखे, 1 लाख देखे, 2 लाख देखे, हमें तो उतनी ही मेहनत करनी है। तो मित्रों अपन नए हैं, रायथन परिवार अपना नया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, डिसलाइक करने वालों करने दो, कोई बात नहीं है, उनकी मर्जी है आप, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें और
हमसे जो बनेगा करेंगे, ठीक है। आप सभी को नमस्कार, आपका धन्यवाद, राम राम साहब।